iOS 17 का जो नया अपडेट आया है उसमें सफारी ब्राउजर के हम प्राइवेट टैब्स को फेस आईडी से या टच आईडी से लॉक कर सकते हैं। इस फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है अगर आपके फ़ोन में ये फीचर ऑन नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये है मेरा आईफोन XR, इसको मैंने कन्वर्ट किया है आईफोन 14 प्रो में। अगर आपको ये वीडियो चेकआउट करनी है कि मैंने कैसे किया, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। सबसे पहले आपको मैं इसका अबाउट सेक्शन दिखा दूं कि ये आईफोन XR ही है और आप एक लुक देख सकते हो XR की, ओके, अबाउट सेक्शन की। अब बढ़ते हैं अपनी मेन ट्रिक की तरफ। सो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर सफारी में अगर मैं हिडन सेक्शन में प्राइवेट टैब में चलता हूँ तो मेरे जो टैब्स हैं ना वो लॉक्ड हैं। सो ये रहे, आप अगर अपने फ़ोन में कोई भी टैब ओपन करके सफारी में छोड़ दोगे तो वो आपके जो टैब्स हैं ना वो लॉक रहेंगे। सबसे पहले आपका आईफोन फेस आईडी मांगेगा, जैसे फेस आईडी स्कैन करोगे आपके टैब्स जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये फीचर एक्टिवेट करना है तो सबसे पहले सेटिंग्स में जाओ और फिर स्वाइप अप करो और यहाँ आपको सफारी देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करो। स्वाइप अप करने के बाद इस फीचर को टर्न ऑन करो, रिक्वायर फेस आईडी टू अनलॉक प्राइवेट ब्राउजिंग। आपको जो है इस फीचर को ऑन करना पड़ेगा अगर आपको ये फीचर एक्टिवेट करना है, ओके। ये ऑप्शन ऑन करके होम स्क्रीन पर चले जाओ, अब सफारी में जाओ, ठीक है। न्यू टैब देखने को मिल रहा है, आपको अगर लॉक करने हैं अपने टैब्स तो प्राइवेट ब्राउजर पर जाओ, यहाँ पर अपनी फेस आईडी एक बार वेरीफाई करवाओ। ये सिर्फ उसी केस में वर्क करेगा जिसमें फेस आईडी टर्न ऑन है, फेस आईडी काम करती है, वरना आपको पासकोड एंटर करना पड़ेगा। फिर अपना कोई भी टैब ओपन कर लो, जैसे मैं ये टैब ओपन कर लेता हूँ, और लेट अस यू मेरे को अब ये टैब्स लॉक करने हैं। तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं सीधा ही इसको सफारी को क्लियर कर दूंगा तो टैब्स लॉक हो जाएंगे और उसी टाइम सफारी ओपन करते ही ये मेरे को फेस आईडी मांगेगा, और सेकंड ऑप्शन ये है कि मैं अपने नॉर्मल टैब्स ओपन करके छोड़ दूंगा। अब जो कोई भी सफारी में आएगा नॉर्मल टैब्स कोई भी स्क्रॉल करके चला जाएगा, और अगर प्राइवेट टैब्स उसको एक्सेस करने हैं तो मेरे को प्राइवेट टैब के लिए फेस आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी। जैसे वेरीफाई हो जाएगी ये जो है इसको अनलॉक कर देगा और आप प्राइवेट ऐप्स एक्सेस कर सकते हो। काफ़ी कमाल की ट्रिक है, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को देखने के बहुत ज़्यादा शुक्रिया।